हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग होने वाला है सल्फर पॉन्ड का, जो कि बहुत खूबसूरत जगह है कि देहरादून में जो है पड़ती है मालदीवता में। और मेरे साथ मेरा बैग भी रेडी है, मेरा गोप्रो हीरो 9। तो फटाफट निकलते हैं दोस्तों, क्योंकि पिंच मेरा इंतजार कर रहा है महाराणा प्रताप चौक पर रायपुर में। तो वहीं मिलता हूँ उसे। तो ये है आज का अखबार, से यहाँ रखते हैं, स्कूटी ले जाते हैं, आज स्कूटी से चलते हैं। जय हो गैया माता, गुड मॉर्निंग देहरादून एंड गुड मॉर्निंग इंडिया। अरे यार, ये फाटक कैसे लग गया। चलो चलो, खुलने वाला शायद। ट्रेन आ रही है और जा भी रही है, क्रॉस हो रही है। अब जाओ, निकल फटाफट यार। आ गया, बस रास्ते में हूँ भाई। आ गया भाई, पिंचू बहुत हो रखा है गुस्सा, बहुत चल दिया। वो टाइम पे आ गया, लेकिन मैं लेट आ रहा हूँ। रोड एकदम क्लीन बन रही है भाई। पहले जो था इसका हाल इतना बेकार था, गड्ढे, टूटी फूटी रोड, लेकिन इस बार एकदम क्लीन बन गई रोड। ये कहाँ है यहाँ पिंचू, फोन पे फोन कर दिया उसने। ये शायद ये रहा, जाने की तैयारी में था लग रहा है। और कैसे हो? ठीक हो? चल, पानी है, रास्ता देखा है? पानी की बोतल ला रखा है ना? चल अच्छी बात है, रास्ता देखा है ना? चलो पूछ लेंगे। अरे खुद से निकालेंगे हैं? अरे बाइक यार, वो दोस्त ले गया जरा एक ना, उसकी स्कूटी लाया मैं, दोस्त की है। क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया। तो दोस्तों, ये सामने ये जगह है टी पॉइंट, एक तरीके का दिखाई दे रहा है, जिसमें तीन रास्ते जा रहे हैं। एक पहला इधर से, सेकंड इधर से, एंड थर्ड ये इधर से। तो हमें राइट साइड से जाना है, क्योंकि ये हमारा ये पॉइंट पड़ेगा राइट साइड से, जो सल्फर पॉइंट का एरिया है। तो इधर से चलते हैं। एक दो तीन रास्ते हैं यहाँ से। कहाँ से? कौन सा? तो तीन रास्ते में से हमें पड़ेगा सल्फर पॉन्ड के लिए बीच वाला रास्ता, यानी कि मिडिल का ये जो रास्ता जा रहा है। तो इसमें चलते हैं। ऑफ रोडिंग हो गई है बॉस, बहुत ही ऑफ रोड है ये गाड़ी। ये जो रास्ता 6-7 किलोमीटर, तो ऐसी रास्ता मिलेगा आपको दोस्तों, बिल्कुल बेकार कच्चा रास्ता। तो यहाँ पर मैं तो स्कूटी ले आया, पर आप मत लाना स्कूटी, आप आओ तो बाइक से ही आना। और बाइक भी ऐसी हो जिसमें ट्यूबलेस टायर हो, क्योंकि अगर बीच में अगर कोई पंचर हुआ तब तो भाई साहब बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, जो कि शायद हमें भी हो सकती है अगर इस बीच अगर मेरा पंचर हुआ टायर का। और कितना दूर रह गया? 3-4 किलोमीटर और। सही रही साइकिल, पंचर तो नहीं हुई? बहुत ही खतरनाक है रास्ता, देख रहा है क्या रोड है। ओ भाई साहब, क्या है, खतरनाक। आजा। अरे देखना क्या खतरनाक लग रहा है यार वो तो सीन। ओ भाई, बरसात के समय पे आना बहुत टफ है यहाँ। तो गाइस, बरसात के समय पे मत आना कभी, आप रिस्क मत देना, क्योंकि ये पूरा एक लैंडस्लाइड एरिया है, क्योंकि यहाँ से निकलना ही हमारी समझदारी होगी। ये बहुत ही डेंजरस एरिया है, स्लाइडिंग जोन वाला एरिया पूरा। तो फाइनली गाइस, हम पहुँच चुके हैं सल्फर पॉन्ड, जो कि नेचुरल पॉन्ड है।
और गंदा का पानी इसमें आ रहा है, एकदम क्लीन वाटर, ग्रीन वाटर। और आप देख ही सकते हैं कि एकदम साफ पानी है, बिल्कुल नीचे का भी जो है एकदम साफ दिखाई दे रहा है। इसे पाइप द्वारा ये अंदर जा रहा है और एक पूल बना है जहाँ के लोग ये मौज ले रहे हैं। लोग यहाँ पर चिल कर रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ, और हम भी आए हैं। बहुत ही खतरनाक रास्ता था जो कि अभी मैंने आपको दिखाया था, और 7-8 किलोमीटर का ऑफ रोड रास्ता है पूरा ये। और इसमें यह है कि अगर आप आएँ तो बरसात में ना आएँ, क्योंकि यहाँ पर अभी रास्ते में देखा कि लैंडस्लाइड का भी एरिया है। और अगर यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको देखेगी एक मैगी की शॉप, मैगी पॉइंट। यहाँ पर आपको मिलेगा मैगी, चाय, चाउमीन, अंडा, ऑमलेट, बन मक्खन, कोल्ड ड्रिंक। अंकल यहाँ पर हैं, छोले चावल, राजमा चावल भी, छोले चावल, राजमा चावल अंकल जैसे बता ही रहे हैं। तो यहाँ पर सब कुछ मिलेगा, खाने से लेके स्नैक्स से लेके नाश्ता, कोल्ड ड्रिंक, खाना, लंच सब मिलेगा। एक बार ज़रूर विज़िट करना अंकल के यहाँ भी। बिल्कुल ये सल्फर पॉइंट से लगा हुआ एरिया है, पास ही मेरे पीछे सल्फर पॉइंट है। तो चिल करते हुए कोल्ड ड्रिंक पीनी है, पानी पीना है, तो सब कुछ मिलेगा यहाँ पर अंकल की शॉप में। तो अब तो चलते हैं दोस्तों, हम करते हैं तैयारी नहाने की। तो मैं तो अपने लिए कॉस्ट्यूम ला रखा हूँ, लेकिन पिंचू के साथ दिक्कत हो गया। पिंचू क्या कुछ तो लिया था, टॉर्च लाया नहीं, पानी रखकर फिर भूल गया। पानी रखा, पानी लाया, जल्दबाजी में हो गया, वही छूट गया बैग। तो ऐसा कर, अभी नेकर में ना, अभी देर, अब इसमें नहा, नेकर में बेल्ट उतार दे, इसमें नहा। क्यों तुम भी ऐसी ना हो, इसमें लाओ लोअर में, और कोई नहीं, भीगते हुए जाएंगे, गीले होते हैं, सूख जाएंगे, है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। इसमें लोअर में नहाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सो आर यू एक्साइटेड? यस सर। सो आर यू रेडी? चलो नहाते हैं। हाउ इज द जोश? यस सर। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, सुर मजा सुर। तो आप लोग सारे हैं, मतलब यहाँ लोकल से, देहरादून से हैं, बाहर से भी आ रखे हैं? सारे देहरादून से हैं, साइकिल से हैं, साइकिल से हैं। सुबह 3 बजे। तो ऐसा कोई वो तो नहीं हुआ इंसिडेंट की कोई साइकिल का पंचर हो गया उसी का टायर? बस राम भरोसे भाई, क्योंकि हम भी जब ऐसे आए थे ना, गाड़ी यू साइड में जा रही थी और एक जगह कार आई थी ना, तो दबाने की भी जगह बहुत मुश्किल हो रही थी, और रास्ता भी बहुत बेकार है, बहुत, मतलब बरसात के समय तो बहुत दिक्कत है। साइकिल वालों के लिए फिर भी बहुत डिफिकल्ट है, टू व्हीलर जो गाड़ी वाड़ी में आएंगे उनके लिए फिर भी कम्फर्टेबल। तो इनके दोस्त इन्हें गरुड़ा कहते हैं, तो कहते हैं कि गरुड़ा भी जिंदा है। चल, अरे साथ में हमारे एक और दोस्तों, इन्होंने एक से एक डाई मारी इन दोनों ने, बंदों ने बहुत बढ़िया। क्या चेस्ट है, एकदम मसल्स ना, कितने 1 2 3 4 एस चेस, बहुत सॉलिड है, चेस सॉलिड है भाई की, एकदम है, बढ़िया बॉडी बना रही है, जिम कर रहा है, प्रोटीन पाउडर लग रहा खा रहा है, खूब सॉलिड है, नेचुरल है, चल बढ़िया है। तो कोई नहीं, प्रोटीन भी है तो भी अच्छी बात है, वो भी एक नेचुरली होता है, नेचुरल है, बढ़िया बढ़िया, क्लीन बॉडी, बढ़िया, बिना जिम करे, बिना जिम करे, देसी बॉडी, पहाड़ी बॉडी, कुछ पोजिंग तुम्हारी, और कोई ये विशेष, बहुत बढ़िया, क्लीन बॉडी। अरे हाँ यार, भाई के भी ऐप सारे, यार ऐप सारे भाई के भी। Welcome to Sulphur Point!
तो दोस्तों बहुत मजा आया, बहुत फन किया, बहुत ही मजे किए। तो दोस्तों आज का व्लॉग बस मेरा इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। डू लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। कीप एंजॉय एंड वेलकम टू सल्फर पॉइंट देहरादून।